चक्रासन के अभ्यास में आपने अपने हाथों का बहुत अच्छा ध्यान रखना है। तो कई बार आप अनुभव करते हैं कि जब आप चक्रासन कर रहे हैं तो ऊपर का शरीर नहीं उठ पा रहा है, उसके लिए आप कुछ सूक्ष्म व्यायाम है उनका भी बहुत अच्छा अभ्यास करना चाहिए। तो हम उन सूक्ष्म आसनों का भी अभ्यास करेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे कैसे आप चक्रासन को मजबूत बनाते हैं। तो सबसे पहले तो आपने लेट जाना है, पीठ के बल लेट जाओ, लेटे पीठ के बल और हाथों को दाएं बाएं साथ में रखा, फिर ऊपर हाथ को ऊपर उठा लिया आकाश की तरफ, थोड़ी देर यहां पे रुक के रखा, फिर हाथों को ऐसे घुमाया स्पेशली अपनी रिस्ट पार्ट को और ध्यान दिया इसके ऊपर कैसे घूम रही है। सारा शरीर का वजन हाथ के ऊपर होता है इसलिए हाथों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहले क्लॉकवाइज घुमा लिया फिर रिवर्स कर लिया, बहुत धीरे धीरे दोनों हाथ साथ में रख दिए दाएं बाएं, पांव को साथ जोड़ लो, फोल्ड करके अपनी पेल्विस की तरफ ले लिया, हील नीचे जमीन पे रहेगी। अब शोल्डर डिस्टेंस खोल लो पांव को, सांस अच्छी ली, हाथों से एंकल्स पकड़े दोनों नीचे जमीन पे रख के नीचे का शरीर ऊपर उठाना नीचे ले जाना इसका अभ्यास करो। ऊपर उठाया फिर नीचे ले गए, 4 से 5 बार यह अभ्यास करो। उठाया ऊपर, खिंचाव दिया पीछे की तरफ, फिर नीचे ले आए। हुआ, उसके बाद छोड़ दो एंकल, छोड़ दिए पीछे घुमाया हाथ, रिवर्स करके पाम जमीन पे टच हो इस तरह से पीछे रखा, रुके यहां पर, सांस अच्छी ली, पूरा नहीं उठाना है बस ऊपर के शरीर पे ध्यान दो। उठाया ऊपर का शरीर जरा सा, सर के बल, बस सर के बल रखा और यहीं पर ठहराव दिया, रुके रहे यहां पर। तो यही सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है आपके चक्रासन में कि ऊपर का शरीर नहीं खुलता है, ये आसन आपको मदद करेगा। अब यहां से बहुत धीरे धीरे वापिस आ गए 0 पोजिशन में, धीरे से रख दिया नीचे, आराम किया, हाथों को भी थोड़ा फिर से वापिस रिलैक्स कर लिया। चाहे तो अपने हाथों से दोनों इस तरह से रिस्ट को दबा लिया, चलेंगे अभी फिर, घुमाया हाथ पीछे पूरा, उंगलियां खोल ली, पकड़ रखी नीचे, 3 2 1 उठाओ धीरे धीरे करके, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, बहुत सुंदर। खिंचाव दो, एल्बो सीधी हो, नी थोड़ी सी बेंड रहेगी जिससे नी पे सब प्रेशर ना पड़े, सपोर्ट लेने के लिए थोड़ा सा नी बेंड रहेगा, पांव फ्लैट है मैट पर, आंखें खुली रखी हो। पर जब लगा कि ब्लड का फ्लो ज्यादा हो रहा है हेड की तरफ तो आंखें बंद भी कर सकते हैं। 5 4 3 2 और 1 धीरे 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 चले नीचे की तरफ, बहुत आराम से आसन को करना और आसन को क्लोज करना बहुत जरूरी है, आराम मिलता है शरीर को और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नीज को अपनी तरफ लिया, बांधा नीज को, स्ट्रेच करा, सांस ली, आराम दिया शरीर को, होल्ड करके रखा यहां पे। अब दोनों घुटनों के बीच में जाके नाक को टच करना, वहां पे रुके रहे यहां पर, 5 4 3 2 1 धीरे धीरे छोड़ दिया, सर भी छोड़ दिया, पांव एक बार फिर से करना इसी आसन को, पांव को पूरा आगे फैलाया, हाथों को रेडी किया, कंधों को रेडी किया, घुमाया धीरे धीरे, चक्रासन का पूरा अभ्यास और 3 स्टेप में करना है। पहला, पांव को फोल्ड किया नीचे, हाथों को पीछे लगा दिया, ये पहला स्टेप हुआ आपका। दूसरा, आधा उठाना है 2 और तीसरा ऊपर ले जाओ पूरा,
सब यहीं पर ठहरा दिया। जितना लंबा रुकेंगे उतना प्रभाव पड़ता है बैक स्पाइन पर, पूरी बैक स्पाइन पे इंपैक्ट पड़ता है चक्रासन से, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट और डायनामिक आसन माना जाता है। रुके रहे यहां पर, ठहरा दिया, 5, 4, 3, 2, 1, 0। वैसे ही एक में नीचे स्टॉप किया, फिर पूरा चले गए, पांव पूरी तरह से रिलैक्स कर दिया, 3, 0 पोजिशन। अब आराम किया थोड़ी देर, हाथ दाएं बाएं छोड़ दिए, कंधों को भी रिलैक्स किया, रुक गए, ठहराव दिया।